यशस्वन्तं लक्ष्मीमन्तं विद्यावन्तं जन्म कुरु। एक मिनट मालिक। ये देखिए भाभी जी, आपका पल्लू सरक रहा है। वो है ना, ठीक कर। अरे दीदी खड़ी हो। हाँ ये लो मां प्रसाद, मंदिर गया था बाबूजी के लिए अर्चना की थी। पहले ये बता, सुबह से तूने कुछ खाया है या नहीं? बाबूजी के लिए उपवास रखा है ना? ये लो, ये पूरी पूरी तस्वीर ले लीजिए। प्रसाद प्रसाद, ये कहां से आया? हमारे यहां काम करने वाले एक आदमी ने आपकी लंबी उम्र की अर्चना की है। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। हाँ चलिए। सब आ गए मालिक? हाँ सब लोग आ गए। हीरा को भी बुला लूं? चलिए फोटो खींचिए। नमस्कार मालिक। नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। मुनीम जी। जी मालिक। जब भी हम इन लोगों को देखते हैं, हमारी वो अधमरी ख्वाहिश कराहती हुई नजर आती जो हमने
इन गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाने की थी। न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। पूरा होगा मालिक, इस जिले के 18 गांव के लोगों के सपनों को आप साकार करते आए हैं, फिर आपके अपने सपने अधूरे कैसे रह सकते हैं? मालिक, मालिक। क्या बात है आर्या? मालिक मेरी बेटी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अगले हफ्ते तो उसकी शादी होने वाली थी ना। अब उसकी शादी नहीं हो सकती मालिक। क्यों? किरोड़ा ठाकुर ने। क्या किया किरोड़ा ठाकुर ने? मेरी लुगाई किरोड़ा ठाकुर के घर में काम करती है, कल एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मेरी बेटी कमली काम पर गई। पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मर्द को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है मर जानी है? नहीं पता? मुझसे सीख ले। इस काम में औरत को माहिर होना चाहिए, नहीं तो मर्द घर से बाहर निकाल देता है। चला जा। चलो सुसरी, अरे मेरी बात तो सुन, मर जानी है। चल अरे आ जा, चल ना। अरे अच्छा क्या वो लड़की कहाँ गई? खेतों की तरफ मालिक, कह रही थी कि पंचायत में शिकायत करेगी। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। हम सारी कुतिया ठाकुर साहब के घर में चोरी करके उल्टा उन्हीं को पंचायत में जीतने की बात करती है। चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। बंद करो सारी को। अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से मालिक? मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुनीम जी। जी मालिक। ये थाने में इंस्पेक्टर कौन है? कोई नया आया है मालिक। आप थाने जाइए और उनसे कहिए कि इनकी बेटी की शादी है, उसे छोड़ दें, बाद की कार्यवाही हम देख लेंगे। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है, डीएसपी है, कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं, इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच है वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। जाओ जाकर अपने भानु प्रताप ठाकुर से कह दो कि ये थाना है, कोई पंचायती खेत नहीं, जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए, फसल बोए, समझे? गेट आउट। देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया? मैंने लड़की को नहीं छोड़ा। अरे मर जानिया, छोड़ना भी नहीं, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मर जानिया सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस थाने में ही सड़ेगी। We'll be right back.
से कानून पढ़कर आए हैं। क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शन 50 एंड 57 एंड अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है? कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? कौन सा कानून? मनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 3 3 9 5 2। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है, और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिया सर। इंस्पेक्टर साहब, लॉकअप का दरवाजा खुला रखिएगा। कमीनो, सर पर पगड़ी बांध कर समझते हैं कि इज्जत का ताज पहन लिया? कायर हो तुम लोग, कायर। दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। अरे इस गांव के लोग जितना मान सम्मान आदर सत्कार उस भानु प्रताप का करते हैं, मेरा चुटकी भर भी नहीं करते। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। अरे मेरे वो बेइज्जतदार पुरखो, तुम लोगों की नाकाबिलियत की वजह से आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। शर्म आती है मुझे कि आज तक मैं तुम जैसे खोखले ठाकरों का फकर करता रहा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच गए मर जाना वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। हीरा जी। भैया, शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। जी अच्छा, ठीक है। दीदी सीधी बैठो ना। भाभी, शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ मैं जानकर क्या करूँगा। तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है जाके करवा दो। ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई खास ही होंगे। अरे मेहमान तो सारे खास ही होते हैं हीरा,
लेकिन हम उनकी सेवा करते करते साला आम और गुठली बन जाते हैं। अरे फुलवा, क्या तेरा बच्चा रो रहा है, तू भेड़ों को फुदका रही है? क्या करूं, अकेली हूं, का संभालूं? अरे लामक, हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जाकर के बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही है। हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोले थे? अंग्रेजी में तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटाइए ना। अभी हटाता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग भेड़ हांक रहे हो या नई नवेली दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को सिनेमा कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये काम कुमारी या रंगरूटी कर सकते हैं, देखो मैं कैसे हांकता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप, जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं, वेल समा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहां रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है, ये रास्ता भरतपुर जाता है? ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है, हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहाँ जाकर दो भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट, एक मिनट, उधर से मत जाना, आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, वापस 10 किलोमीटर जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, सामने भरतपुर होगा। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड, ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छड़ ने गधा कहा, मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। हाय नरेंद्र। करण साहब, इज माय यंगर ब्रदर। बरे नमस्ते। हाय नरेंद्र। मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, इसलिए आज नहीं आ पाए, कल तक आ जाएंगे। बाय द वे, ये है मेरी बहन राधा। नमस्ते। करण साहब नमस्ते। और आप हैं मेरे अंकल, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त। अच्छा। रिटायर्ड मेजर रंजीत सिंह। हाउ डू यू डू? हेलो। आइए सर, वेलकम। आइए प्लीज। आइए। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, दो बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। आइए प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। जी भैया। ए गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे, चल बस। अरे वाह क्या बात, ब्यूटीफुल। ये है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। मुझे पता है तलवार है, चाकू मुझे बड़े नहीं होते, बाइबल से मुंह से निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं। जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है, आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए इधर घूमो, चेहरा इधर करो, पूरा घूमो, पेपर हटाओ। तुम लोग, अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, देखिए
ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो। तुम भी ठीक है ठीक है, अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मजा चकाती हूँ। ए, इधर आओ। इससे रनी लॉन्ड्री, मेरा मतलब इस्त्री वाला है। नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं। अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है, मोची। ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं। हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था, हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री के हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना। हाँ अब तो हो गए। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी ए बगलोल, अबे तुझे बोल रहा हूँ तुझे। हाँ मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। मैं मिंदर विंदर छचुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इसी निकला के ले, ले। देखता क्या है, तो जाना। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों, मिनरल वाटर से ही। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो वो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं, तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट क्या कर रहे हो अंकल, फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूँ, कैमरे में तुम्हारा चेहरे नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझी स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत्ता जमीन पे गिर गया, गरम कोयले की स्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। हा? सारे कपड़े जल गए, बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ, इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश, तो दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते हैं। क्या बोला? अड़बड़ा मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर। गधा। अरे सॉरी। क्या बोला? सॉरी। क्या बोला? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो क्या कर रहा? नकली है। अच्छा अब करो। मालिक, उस तेरी काफी जवानी जोश में आई। ये गरीब भिखारी दो दिनों से भूखा है। अरे क्या मुझे पैसा डालिए मालिक।
लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है, इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं, भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया, कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है? नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया भिखारी ने। मालिक इनको बुला, अब बुला रही है। अरे अरे कहाँ गए? कहाँ नारी सोना, अरे कहाँ कर रही है फुलवा? चुप करा, क्यों रुला रही उसको? दूध पिलाने से भी नहीं चुप हो रहा तो मैं क्या करूँ? अरे तो और पिला। चुप हो जाना, चुप। चुप हो जाना, चुप। दिल मेरे तू दीवाना है। लो छोटे मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा। पागल है मैंने माना है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना के है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होते सपने भी मैंने है ऐसा सुना, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है। डालू थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। जी ना अंकल। हीरा जी, सामान लेकर आओ। जी अच्छा, चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ? ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ,
उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो मैं उठाता हूं। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। लाओ तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? तो समधी जी, जैसा आप कहें पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा लेते? हाँ हाँ पंडित जी बोलिए, कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर ले। ठीक है, बहुत बेहतर। सुनो, हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस माँ, बस एक और आ करो। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता मां, इतना तुम्हें जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। मां मां, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है, फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा क्या करने का। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी है, उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर, फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था, लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल गए। स्टैंड अप, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, हाथ आगे बढ़ाओ। किताबों के साथ
हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हीरा के साथ रहकर गौरी की पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये सोचकर ठाकुर काका ने गौरी को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। हीरा और गौरी अलग हो गए, अलग अलग बड़े हुए। हीरा हमेशा उदास रहता था, मगर एक खुशी थी, गौरी हर शनिवार शहर से आती थी। शनिवार और इतवार ये दो दिन हीरा के दिल को खुशियों से भर देती थी। नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना के है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होते सपने भी
मैंने है ऐसा सुना दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है पल पल आहे भरता है कहने से क्यों डरता है पल पल आहे भरता है कहने से गौरी हाय नहीं नहीं कोई बात नहीं है नहीं तो ना कैसे हो ठीक हूँ हल्का सा बुखार लग रहा है अरे तो चलो डॉक्टर को नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है आ दिखाओ डॉक्टर साहब क्या 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 आ यहाँ है वहाँ क्या दिखाने को बोल रहे अच्छा तुम क्या समझते हो बिना आ जाने ही मेरे डॉक्टर बन गए हूँ अरे हम MBBS है MBBS उसे मुंह खोलने के लिए कहा हल्का सा बुखार है मैं इंजेक्शन दे देता हूँ अरे नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत दीजिएगा गोलियां दे दीजिए इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा अरे छोटा सा इंजेक्शन है दर्द नहीं होगा आजकल बच्चा ले लेते हैं प्लीज मेरी बात सुनिए देखिए इंजेक्शन मत दीजिए इसे बहुत दर्द होगा ओके यू गिव इंजेक्शन यू गिव टैबलेट्स यू गिव मेडिसिन आई गो डॉक्टर साहब ये डॉक्टर मैं हूं या तुम नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए मैं देखता हूं मुझे दर्द होता है ऐसा करिए मैडम आज तुम तो गेट आउट हीरा बाहर जाओ गौरी तुम्हें प्लीज बाहर जाओ चलो जाओ ऐसे जाओ जाओ हाँ जा रहे गोली देना गोली देखा इंजेक्शन दे दिया उसे हल्का सा बुखार है इंजेक्शन दे दिया उसे अरे कितना दर्द हो रहा होगा ठीक हो जाएगा जाओ देखो दर्द हो रहा है ना तुम गाड़ी में बैठो मैं भी आता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो पूछने जा रहा हूँ फिर कब आना है चलो जाओ मित्र हाँ जो चलो हो गया हाँ जी हाँ बताते हैं कुछ नहीं बस एक छोटा सा टेस्ट है क्या टेस्ट ये दिखाने के लिए कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है हाँ बताने बस और आप पता चला दर्द क्या होता है हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है डॉक्टर 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दूं नो इंजेक्शन ओनली टैबलेट्स खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को ये गांव वालों के साथ नौटंकी में हड़दंग मचाई शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में एक बात कहूं इसकी शादी करवा दीजिए जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं लड़की घर में ही है हाँ गौरी पागल हो गई हो हमने गौरी को पाला है इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें गौरी हीरा से प्यार करती है हाँ बाबूजी हीरा भैया गौरी को बहुत पसंद करते हैं आप तो जानते हैं दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं फिर भी आपको यकीन ना हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो देखो गौरी आ गई आओ आओ गौरी आओ ना दीदी ये सब क्या हो रहा है ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है मेरी शादी हाँ बाबूजी ने तुम्हारी शादी हीरा के साथ तय कर दी है हीरा ने मन्नत मांगी थी अगर गौरी के साथ उसकी शादी तय हो जाए तो वो हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकेगा और हर मूर्ति के चरणों में नारियल चढ़ाएगा एक दिन हम नारियल के चढ़ावे के लिए मंदिर जा रहे थे तो देखा एक लड़की पानी में कूद गई हीरा उस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदा उस लड़की को बाहर निकाला वो लड़की कोई और नहीं गौरी थी सुधा
गौरी, ये क्या हो गया तुम? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम? जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे, तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली जाती। बस गौरी, बस हम और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं ठहलोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझसे कह दी, पिताजी से कहती तो उनको दुख होता, सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता, मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरोगी ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी, हीरा तुम्हारे रास्ते से हट गया। वही हुआ जिसका हमें शक था, कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा क्या हुआ तुमने? तो कोई सवाल मत मांगना, हमें इससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं। उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया, उसने गौरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया लेकिन खुद गिर गया। ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने हीरा की आंखों के सामने गौरी की शादी किसी और से कर दी। हीरा ने प्यार का दिया तो जलाया था, मगर बेचारे के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया। मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम हीरा के घाव नहीं भर सकती तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी मत। मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं
और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। अरे तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबा का डाकू बन जाऊं क्या? मैं मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? ये काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ। ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मित्रा, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रखी गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस कामवाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट देना। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन तेरा बाप? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं भाई, बोल रहा था ना, मुंह से निकल गया यार, जान देना, बाद में दम नहीं है। चल शराब डालो। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के सब क्या कर लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। हाँ ये तुम लोग जो कोई इस तरह के लोग, कभी कभी मत लाना ख्याल दिल में, कभी ना। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वेलकम मोहन। हेलो भरत। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। मोहन कहाँ है? लीजिए ना, लीजिए।
नमस्ते। नमस्ते। भैया ये मेरी ननद उषा है। अच्छा। मेरी शादी के टाइम में ही अमेरिका में थी। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा जी। भैया भैया दो कोल्ड ड्रिंक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई VIP नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी एक मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी ये कौन है? ये अपने उर्मिला की ननद है, IAS कर रही है। ओह, इसीलिए इतना कर रही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गवर्धजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरोहरि ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थसाधिके हिरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्या बात? क्या बात करने के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? वही सोच रही हूं, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? मुझे आपकी खूबियां और अच्छाइयां भा गई हैं। घर चलिए, आपके माँ पिताजी बहुत परेशान होंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। होता है। दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने माना है, दिल मेरे तो दीवाना है,
तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होते के टूटे दिल पर तरस खाने नहीं आई, बल्कि इसलिए आई हूं कि आपसे जुड़ने के बाद कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। देखिए, मेरा मेरे परिवार और तकदीर दोनों से अनबन है, मुझे गम या खुशी कोई भी चीज संभाली नहीं जाती। गौरी आपकी जिंदगी से जा चुकी है, फिर भी आप उसकी यादों को संभाले हुए हैं, फिर मेरा प्यार क्यों नहीं संभलेगा? मैंने गौरी को भुला दिया है। नहीं, गौरी ने आपको भुला दिया है। प्यार दो दिलों की दास्तान है, ऐसे साथी के जाने का क्या गम जिसके पास दिल को समझने वाला दिल ही ना हो। गौरी की गलतियों को अपने सर लेकर आपने उसका भला ही चाहा, आपकी यही खूबी मुझे आपके करीब ले आई। मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मेरे साथ वो मत कीजिएगा जो गौरी ने आपके साथ किया। थोड़े दिनों में बहुत से सपने देख लिए मैंने, अब नींद से जगाना या नींदे उड़ाना आपके हाथ में है। कल सुबह मैं इसी जगह आपका इंतजार करूंगी।
अब तो जगाए मुझको सारी सारी रात, अब तो जगाए मुझको सारी सारी रात, खुशबू से भीगे तेरे मैं दीवाने हाँ।
डैडी, यही मेरी पसंद की पजेरो कार जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। इस गांव में इतनी कीमती कार? भाई साहब जी, ये गाड़ी किसकी? देशराज ठाकुर साहब की। थैंक यू वेरी मच जी। जग्गा लाइए मालिक। क्या कह रहे थे वो लोग? कार की तारीफ कर रहे थे मालिक, कह रहे थे ऐसी खरीदना चाहते हैं। ओ, अच्छा। ये गाड़ी तो हमने स्टेशन के पास खड़ी देखी थी ना डैड। हाँ, यहाँ कौन लाया? वॉचमैन। एक साहब आए थे, चाबियां और चिट्ठी देख। गांव के दामाद को हमारी तरफ से भेंट, देशराज ठाकुर। ठाकुर डैड, ये देशराज ठाकुर कौन है? नहीं क्या आदमी है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ बेटा अर्जुन, जो बिना किसी वजह के भानु प्रताप के दामाद को 20 लाख की गाड़ी मुफ्त में दे दूं। ये मेरे दूर की सोच है, इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना। पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, भानु प्रताप ने जिस वकील के घर अपनी बेटी ब्याही है वो करोड़पति है। अच्छा। हाँ, अगर उसकी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ हो जाए तो मैं जब चाहूं उस भानु प्रताप को जलील कर सकता हूँ। वो कैसे? देखो अर्जुन, जब वकील की बेटी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो हम उसे तंग करेंगे, तब वकील वही करेगा जो हम कहेंगे और भानु प्रताप वो करेगा जो वकील कहेगा। लेकिन पिताजी क्या वो मान जाएंगे? ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी आपकी तरह तुरंत फैसला करने की आदत है। ठाकुर साहब, हमारी बेटी आईएएस करना चाहती है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, शादी कर देते हैं, वो पढ़ती रहेगी। नहीं, फिर भी हमें उसकी राय भी तो जान लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है, शादी ब्याह की जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप की होती है। ठाकुर साहब, आप ये रिश्ता पक्का समझिए। किससे किससे पूछकर आपने मेरी शादी तय की है? राधा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैंने हीरा को पसंद किया है, उन्हीं से शादी करूंगी। क्या तू जाहिल गवार लफंगे से शादी करेगी? जो अपने बाप से अपने आप को बेटा न कहलवा सका तू उससे शादी करेगी? हाँ, हीरा मेरी नजर में हीरा है। तुम्हारी बातों में दम है बेटी। तुम चुप रहो जी, कान खोल कर सुन ले राधा, तेरी शादी 18 तारीख को होगी और वो भी अर्जुन के साथ। ये मेरा फैसला है। माँ, शादी मेरी 18 तारीख को ही होगी, लेकिन अर्जुन से नहीं, हीरा से। ये मेरा फैसला है। लो पसीना पोछो। अरे हीरा, हीरा, राधा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। राधा की चिट्ठी? हाँ, पढ़ पढ़, मुझे भी पढ़ के सुना। अरे एक मैं हूँ इस गांव में इकलौता 10वीं पास ग्रेजुएट, मेरे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा उठा? ला मुझे दे, सुन। डियर ए बगलोल, चल भाग यहाँ से, शर्म नहीं आती दूसरों का प्रेम पत्र सुनते हुए, भाग यहाँ से। अरे क्यों से भगा रहे? अरे मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई तो पकड़ा जाऊंगा ना, भाग। चल पढ़ पढ़ पढ़। प्रिय हीरा जी, मेरी मम्मी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। आने वाली 18 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस फैसले को रोक नहीं पा रही हूँ, मगर आप चाहे तो इसे रोक सकते हैं। 18 तारीख को वेद मंत्रों से बंधा जाने वाला मंगलसूत्र मैं आपके हाथों पहनना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, फैसला आपके हाथ में। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है हीरा, क्या करेंगे अब? नहीं मिंद्रा, मैं राधा को इस तरह मरने नहीं दूंगा। तो एक काम कर, राधा को मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे कि राधा की शादी होगी तो सिर्फ हीरा से। छोटे बाबू, छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ।
हाँ छोटू बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया, मुझे मुझे बाबूजी ने बुलाया। जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी का न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसके क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा। इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए, राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबा जी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए, अगर ऐसा करता है तो करण वरण की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इससे पूछो इसे राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा, यह आपको तय करना है। इसे पूछो इसे राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या इसे पूछो फांसी का फंदा, राधा चाहिए या पाप। मेरे गले में मंगलसूत्र या फांसी का फंदा। तेरे पिताजी तुझे बेटा कहीं सिर्फ यही सुनना चाहते हैं तेरे कान। राधा की वेदनाएं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता तू। हीरा, प्यार सदियों में किसी नसीब वाले का दरवाजा खटखटाता है। राधा के प्यार ने तुझे आवाज दी है, बहरा मत पर, लांग जा बाप की लक्ष्मण रेखा को। किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से बड़ा नहीं होता। जा, जा थाम ले राधा का हाथ। हीरा जा। अरे राधा, अभी तक तो तैयार नहीं हुई, चल जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी हीरा का इंतजार कर रही हूँ। वो नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। देख राधा, मैं तेरी जिद के आगे झुकूंगी नहीं। लोगों में मेरी जगह सही हो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी?
रत्ना भी तो चुपचाप नहीं सहेंगे। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो सही मार। दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के माला पहना दीजिए। दुनिया की रीति रिवाज से परे भगवान को अपना साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकारता हूं। बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ इसे, निकालो यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है। दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, करण और वरण की तरह। हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया, डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से, आज से हमारा बेटा नहीं। बाबू जी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे।
आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूं। आओ, ये रहा मेरा ताजमहल। आज तक ये मेरा था, अब ये तुम्हारा हो गया। जिन्होंने तुझे अपनों से दूर किया, उनसे दूर होने का दुख हो रहा है तुझे। जो हुआ उसे भूल जाएगा, और आज से जिंदगी की शुरुआत कर, एक नई जिंदगी की। चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। आजा आजा आजा। सुनिए, आज हमारी सुहाग रात है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मना तो नहीं करेंगे? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दे भी क्या सकता। मेरी इस हथेली में चंद लकीरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? घर वाले सोच रहे होंगे हम जिंदगी भर दुख उठाएंगे। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहागरात न मनाएं। देखिए, मिठू भी कह रहा है ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगा। जा कहां रहे हैं? बाहर। क्यों? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस कमरे में भी सो सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं सो जाता हूँ। अरे अरे, आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक साथ एक ही बिस्तर पर भी सो सकते हैं। तुम्हें लगता है कि छत के नीचे एक ही बिस्तर पर हम दोनों एक साथ सोकर वो कंट्रोल कर सकेंगे? कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ। मैं लाइट बुझाती हूँ। हाँ। सुनिए, आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो मेरा मतलब है अगर हम कल से कंट्रोल करें तो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे इस घर में छिपकलियां बहुत हैं। कल फिर अगर तुम्हारी साड़ी में वो मीठू भी बोल रहा है।
चोरी से चोरी से चोरी 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 से बोले रे मेरा दिल बोले 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 रे बच 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 के दुनिया की नजरों से बच 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 के दुनिया की नजरों से ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी चोरी 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 से बोले रे मेरा दिल बोले 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 रे बच 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 के दुनिया की नजरों से बच 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 के दुनिया की नजरों से ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी जल्दी मुलाकात है तुमसे करनी है बड़ी बातें चांदनी सितारों में हो सोई तेरे मेरे सिवा हो न कोई ठंडी ठंडी आग जल रही हो सर्द सर्द हवा चल रही हो बच 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 के दुनिया की नजरों से बच 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 के दुनिया की नजरों से ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी बच के है दुनिया की नजरों से बच 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 के है दुनिया की नजरों से ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी ओ सनम तन्हाई में मिलो कभी कभी चोरी से चोरी 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 से चोरी से चोरी से चोरी 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 से चोरी से चोरी से चोरी 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 से चोरी से चोरी से चोरी 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 से राधा 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 अरे राधा ओहो अरे क्या हुआ अरे नौकरी मिल गई नौकरी मिल गई नौकरी नौकरी मिलने के इतने फायदे हटो जी अच्छा ये बताइए काम कहाँ मिला काम मिला है बस कंपनी कैसा काम बताइए ना बिल्कुल मालिक जैसा मालिक हाँ मालिक के बाद मैं ही मालिक हूँ अच्छा हाँ बड़ा ही साफ सुथरा काम है जो काम के लायक नहीं होता ना उसे हम निकाल बाहर करते हैं निकाल बाहर करते हैं हाँ कहने का मतलब यह है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो सब मेरे ऊपर है
पूरी जिम्मेदारी? बड़ा कठिन काम होगा। नहीं, कठिन काम तो नहीं है, बड़ा आसान काम है। मालिक बैठ के करता है, मैं लेट के। चलो मैं खुश हूँ, आपको नौकरी तो मिल गई। और ये देखो 500 रुपया एडवांस। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे, मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत खर्चा, मुझे 500 चाहिए। दो लोग मुझे 500 रुपया दिए। ये लो, इसमें से 250 रुपया ये लो तुम रखो, और ये बाकी के 250 रुपए से महीने का राशन खरीद के लाता। तुम जल्दी से मुझे लिस्ट बना करके दो। हाँ चलो 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 चलो। ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मगर यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ तुम हो, तुम गए तो मैं भी गया। जय हो भारतीय टेलीफोन निगम की। शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है, मेरे 10,000? हेलो मेरे पैसे कब? हेलो मेरे, हेलो 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 मैं, हेलो मैं, हेलो मैं, हेलो मैं। मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब क्या है, निकलो यहाँ से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो, करो करो। साइड। हेलो। हाँ बोलो भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, पर्सनल है? वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंदर की एक्टिंग कर रहा है, वो मेरे मामा है, जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। बस एक मिनट, बस करो ना जी। अरे बस हो गया। एक 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 एक, शाबाश। ये लो पानी, ये लो पानी पी लो। अब बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा। अरे डैडी, आप कब आए? बस पाइल हो जी, जीते रहो बेटे। आप कैसे हैं डैडी? एकदम फर्स्ट क्लास। अब तुम दोनों को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मम्मी भाभी भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है। आई बाबूजी बैठी ना। आई, थैंक यू बेटा। बेटा ये तो बताओ तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं तो। तो फिर ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा। तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, पर शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूँ तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी अब तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम लेंगे। मगर बेटी। नहीं डैडी प्लीज। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा डैडी ये बताइए आप क्या खाएंगे? खाऊंगा, बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीता। नए जमाने के इतने बड़े वकील होकर आप पुराने ख्यालात की वकालत करते हैं, बताइए ना क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। बैठे ना बाबूजी, बैठे। सुनिए। हाँ यार, एक मिनट जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। हाँ। बस तो लिया। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो।
खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ सुनी, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ अभी लाता हूँ। अरे क्या हुआ बेटी? मैं इसे शक्कर डाल के लाती हूँ, तू जाके बाहर रह। क्या सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबूजी, आइए आइए बैठिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई। ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ मीठी भात। मीठी भात? हाँ रात का भात रखा था मैंने, उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी अगर ये मीठी भात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से? मिला है? हाँ मिला, और देखा हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगा कर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप भी रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। अरे हाँ राधा के हाथ से बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है, लो तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है तो इसे भी मैं ही खा लूंगा, वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूँ। क्या कहा? हा? कुछ नहीं, बस बस अब ऊपर जाइए। हाँ मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं, उस घर में जो मर्द है वो पति है और जो औरत है वो पत्नी है। बेटी के हाथ की मीठी भात अच्छी है ना? मुना रे ऐसे क्या करती हो, रोते नहीं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची, खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है। क्या हुआ मोहन? पता नहीं कुछ खराबी आ गई है। ओह शिट, मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ। हेलो, तुम यहाँ इस गांव में रहती हो? मैंने तो सोचा था हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो। शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदली हुई लगती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्ट्री तो दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब तुम समझी मैंने हीरा से शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी रसोई और बच्चों की झंझट में गंवाना नहीं चाहती थी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है, मुझे देखो जमीन पर पाँव कभी कभी रखती हूँ, और तुम सपनों को खरीदना चाहती हो मगर हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो।
क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं? वो जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी दुनिया से दूर क्यों नहीं चली जाती वो? क्यों मेरे आसपास ताने भरे हंसी के कांटे बोने चली आती वो? गौरी की बात कर रहे हैं? हाँ, गौरी की बात कर रहा हूं। क्यों हंसती हो तुम पर? हो सकता है उसे ऐसा करने में खुशी मिलती हो। खुश होने दो उसे, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन मुझे हुआ, बहुत दुख हुआ, बड़ी चोट लगी मुझे। देखो राना, मैं जैसा हूं अब ऐसे ही रहूंगा। ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूं, पर अब पेड़ से टूट चुका हूं, कट चुका हूं। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा, अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। ये फौजी यहां कहां से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा। इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। कौन है? धर्मेंद्र है जी, वो बाहर गए हैं दर्जी के पास लेकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्बो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना, पराए लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ओछी हो गई है, नजर कहीं होती है निशाना कहीं और, मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस मैनों वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय बाय। लगता है उल्लू बना दिया, शाम को मिलूंगा ही नहीं, एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ एक्सक्यूज मी, कौन है जी? मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। आप जवान और खूबसूरत दोनों हैं? जी इत्तफाक से भरतपुर के जवान लड़के मुझे सपने में देख के जाने क्या क्या करते रहते हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है? ये रही आपके सामने। क्यों बे, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है, उल्लू का पट्टा समझता है? अबे मैं तेरे से बड़ा नौटंकी बाज हूँ, चल पैसे निकाल। अभी नहीं है, टेलीफोन बूथ पर खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, इस महीने की 35 तारीख को आ जाना। अगर 35 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब तोड़ फोड़ के फोन उठा के ले जाऊंगा, याद रखना। हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 35 तारीख? अब एक बात बता, इस गांव में कितने दिन का महीना होता है? ए तुम, अरे यार तुम मेरी बात का जवाब सामने वाला वो नहीं। हाँ वो साथ वाली खिड़की आपसे। अच्छा नहीं यार, 35 तारीख रुको ना यार। अरे तुम भाई, तुम 35 तारीख कहाँ है तू बोला? हाँ तुम काका, काकी कैसी है? हाँ उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे, एक मिनट। हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके बाय बाय दादा, सी यू। एक बात बता, ये तेरा काका तुझसे बात करते वक्त इतना कंफ्यूज क्यों था? काका काहे का काका, मैं तो इसको जानता भी नहीं, मैं तो उंगली कर रहा था। ये साले लड़ झगड़ के बस पे चढ़ जाते हैं और फिर धक्का मुक्की करके खिड़की वाली सीट पर कब्जा करके सो जाते हैं, साले सुस्त मुर्गे। अब ये सारे रास्ते परेशान रहेगा ये सोच सोच के कि खिड़की पर सर मारता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं इसे कहाँ मिला था, मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता है, वगैरह वगैरह। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। मजा आता है तो 35 तारीख कभी आएगी, मेरा पैसा कभी आएगा? वो आ गई मैं नहीं, आपने वो आपको बुला रहे हैं।
हाँ? नहीं भाई साहब, आपने बहन जी, आपने आप ही नहीं आ, वो ये आपको बुला रहे हैं। नहीं, 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 पीछे वाला आ। सुनो सुधर देखो हाँ क्या रे कैसा है? अरे बड़े भाई कैसे हो? भाभी कैसी है? ठीक ठाक है ना? उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। सुन रहे हो ना? दिन को रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे, एक लीटर दारू पिएंगे, क्या? ओके बाय चिरियो। क्या तेरा भाई था वो? अरे काहे का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है, आज मैंने बेवकूफ बना दिया। एक बात बोलूं, तू सबको उंगली करता है, वो तुझे उंगली कर गया। अरे काहे की उंगली, मेरे बचपन का दोस्त था, स्कूल में साथ पढ़ते थे हम। बचपन का दोस्त है? तेरे बेटे की उम्र का है? अरे वो तो एक ही क्लास में बहुत बार फेल हुआ था ना, इसलिए बड़ा ही नहीं हुआ, समझे? खुद दूसरा बोरी देना चल। एक दो तीन चार। मुझसे कहते थे सब कुछ मेरे हाथ में है, मालिक बैठकर काम करता है तो हम लेट कर काम करते हैं, यही काम करते हैं। सात। बस कीजिए, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या समझते हैं, आपसे आपसे इस तरह काम करवा के मैं कलेक्टर बन सकती हूँ? बस बस रहने दीजिए। राधा, तुम तो जानते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसके सिवा और काम भी क्या कर सकता हूँ, फिर तकलीफ तो हमारी तकदीर है। इंसान तदबीर करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो एक पुरानी बस खरीद लो, तुम चलाना भी जानते हो। पैसे कहाँ से लूंगा? जिसके पास बस में चलने का किराया नहीं हो वो बस कहाँ से खरीदेगा? पैसे मुझसे ले लो। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई कर समझ के ले लो, आ जाए तो लौटा देना। और नहीं आया तो? बचपन से दुखों का इतना बोझ उठाया है कि अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। देखो हीरा, मैं तुम्हें अपना समझ के हाथ बढ़ा रहा हूँ, अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो हाथ मिलाओ। ठीक है कि मेरा यहाँ रुकना ही बेकार है, तुम मुझे अगर समझते हो तो मैं चलता हूँ। अरे अंकल रुकिए। अंकल ठीक कहते हैं, ये पराए नहीं है, इनसे कर्ज लेकर बस खरीद लीजिए, सूद के साथ लौटा देंगे। ब्रदर लेकिन। अरे क्या लेकिन लेकिन, चलो चल के बस खरीदो। भाइयों और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है, अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे? कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे? वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है, एक फुलझड़ी है, उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। बिना दिल की धड़कने करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटू? अजी आप कहाँ कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट? अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज की तरह बीवी की मार खाएगा। इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो, झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना, अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या? ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की, लेकिन झूमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। Ah!
चढ़ जाओ चढ़ जाओ। एक टिकट देना झुमरी तलैया। 30 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। हाँ तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ। ये लीजिए, ये लो टिकट, कल आ जाना। कल? और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े हैं, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता? अरे नहीं हो सकता तो पैसे वापस दो। मैं कल आ जाऊंगा। अरे बस वाले बाबू मेरा भी टिकट काट दो। कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काहे को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? छूकर मजा तो ले सकता हूँ ना। आदमी है बेबीज लेडी कंडक्टर कहाँ है? अरे 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 रॉन्ग नंबर। किसने कहा था टिकट काटने के लिए लड़की रखने को? इस तरह पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अगर बस में कोई चढ़ नहीं रहा था तो खड़े रहने देते उसे। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया है, अपने आप को डुबा सकता हूँ उनके नाम को नहीं। ले जाओ रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे।
बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दी उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। पूरे पूरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। खेतों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ठाकुर साहब, हम अर्जियां दे देकर थक गए हैं। कलेक्ट्री में हमारे पानी की दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब सुनवाई होगी भी नहीं। वजह? वजह तो आप जानते हैं ठाकुर साहब, इस वक्त कलेक्टर आपकी छोटी बहू हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहाँ बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल जी। मैडम, जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ जी। एक्सक्यूज मी सर, yeah? मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम, थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थमा है, दबाओ जाए यहां से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो यही अनुपमा उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है, अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार, अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउ इज योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है।
संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई आई एम सॉरी, मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया। अरे मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल रहे। बोलो कैसे चलाऊं इन बसों को। हम क्या करें सर, ठाकुर हीरा ने तरह तरह के इनामी लालच देकर सारे मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लिया है सर। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीट कर जेल भिजवा दिया। गाँव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्ट्री का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस! अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिल लें। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गवार करके ठुकरा दिया था, आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है, पर देखो आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाए। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। इस साल मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल जाए। अरे ओहो, माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया। Sorry. जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। It's all right. संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक, खून तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं।
माफ कर दिया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, इस नाम को जोर से मत बोलिए। क्यों? ये मेरे दादाजी का नाम है, कोई उनका नाम नहीं लेता। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाथी 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 हाथी, आप सवारी करेंगे? हाँ। आइए मैं आपको सवारी कराता हूँ। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। हाँ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। ये बैग मुझे दे दो बेटे। हाँ संभाल के, देखो गिरे ना कहीं। जी साहब। हाँ ये लो। क्यों, कैसी लगी हाथी की सवारी? बहुत अच्छी। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्यों किया? समझ गया, मेरी कमीज पर स्याही गिरा दिए थे इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप हैं कौन? हम हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त? हाँ, क्यों, मैं दोस्ती के लायक नहीं? आपकी दोस्ती तो हाथी की सवारी से भी अच्छी है। ओके दोस्त, मेरी बस आ गई, बाय। अरे अरे सुनो तो, ये अपना बस्ता तो लेते जाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। एक लड्डू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये एक और। आ जाओ आ जाओ, बस एक और। बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। हे मुंह खोलो मुंह खोलो। आ आ ई ई, ये क्या, तुम्हारा दांत चूहा ले गया? दांत चूहा मेरा दांत कैसे ले जाएगा? अरे दोस्त, छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, फिर उसी जगह नए दांत निकल आते हैं। ओ अच्छा दोस्त, आज वो हाथी नहीं आएगा। क्यों, तुम्हें सवारी करनी है क्या? हाँ। चलो आज मैं हाथी बन जाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारी पीठ पर चढ़ जाओ। ये चला हाथी, चल हाथी चल। मालिक को देखो, छोड़ते हुए चलाओ। ये चलो हाथी चलो, चलो चलो भागो, चल उधर जाओ। क्या मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। ओके आओ, ये बताओ दोस्त, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मम्मी डैडी और मैं, बस और कोई नहीं? नहीं। सुनिए, दादी दादा दो चाचा और चाची भी हैं, मगर कहाँ रहते हैं पता नहीं। ये सब किसने बताया तुम्हें? डैडी ने बताया। और क्या बताया उन्होंने? दादाजी को मेरे डैडी पसंद नहीं थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया। क्यों पसंद नहीं थे ये नहीं बताया? पढ़ते लिखते नहीं थे, इसमें दादाजी की क्या गलती है? मैं नहीं पढ़ूंगा तो डैडी भी मुझ पर नाराज होंगे, है ना? ओके, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बाय। अरे सुनो, ये घर ले जाना। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। सुनो जी, मैंने सबको कार्ड भिजवा दिया है, मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा।
उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना? हाँ राधा, मेरी सूरत तो वो कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे। अगर वो आ गए तो मैं समझूंगा उनकी नाराजगी खत्म हो गई, अगर नहीं तो। डैडी, हे, ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारे क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी से महक आ रही इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। आपकी तरह दिखते हैं ना? नहीं बेटे, ये मेरी तरह नहीं, मैं इनकी तरह दिखता हूँ। और सुनो, अब अगर तुम अपने दोस्त से मिलोगे तो उनके पांव छूना, बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें। अगर वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखते हैं, बाबूजी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ये कार्ड देने के लिए। मैं जानती हूँ मुझे घर आकर कार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमें घर आने से मना किया है, इसलिए आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। उनकी इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन आप ही के हाथों हो, हमें बहुत खुशी होगी। सुनो, मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है, ओके? मैं भी चलूँ आपके साथ? क्या करती हो उषा, मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। नाई की दुकान? हाँ। ओके, थैंक यू। आप भी शेविंग करवाने जा रही हो? मैं शेविंग करवाने? धत, ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए, दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया। शारदा, शारदा, घर में कोई नहीं है दादाजी। क्यों? सब लोग बाहर गए हैं दादाजी। बाहर? हाँ दादाजी, पिताजी और मंजली काका टाउन गए हैं, मेरी माँ और मंजली काकी नानी से मिलने गई हैं, और दादी माँ मंदिर गई हैं। अच्छा, देखो मैं नीचे बगीचे में टहलने जा रहा हूँ, तुम्हारी दादी मंदिर से लौटे तो उनसे कहना कि मैं खाने के वक्त लौटूंगा। जी दादाजी। हेलो। हेलो। बाबूजी आएंगे ना?
हाँ मुझे यकीन है जरूर आएंगे। भाई और बहनों, ये अस्पताल जो आपके सामने बन के खड़ा है, ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था, लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो ना सका। बाप के घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया। औलाद तो हर माँ बाप की होती है, मगर माँ बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहाँ आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूरत नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है, तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहां की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहां गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहां जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी, वो बता रही थी। ओह,
अपने सारे भाषण में वो आप ही के बारे में बोलता रहा। जानते हैं आपकी तारीफ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी तरक्की के पीछे आप ही का हाथ है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो अस्पताल बनाने में कामयाब हुआ। और हाँ, आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छेनी, हल, धरती, वो क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा, उसने कहा होगा कि जो पत्थर, छेनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें अनाज नहीं पैदा हो सकता, ऐसा कुछ। ये सब आपने कहां सुना? सुना क्या, ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ कक्षा 4 की बातें अभी तक आपको याद हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कक्षा 1 का खगा तक लोगों को याद रहता है। खैर, मुझे लगा शायद आप वहां गए हों। आपका ये अंग वस्त्र वहीं भीड़ में पड़ा मिला। अरे ये वहां कैसे गया? पता नहीं, अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा, शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सोनू बेटा, नाश्ता तैयार है। मम्मी, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में खाऊंगा। हेलो मिस्टर सोनू, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ डैडी। अच्छा, आज फिर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आप उनसे मिलने जा रहे हैं? क्या ले जा रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं, क्या ले जाऊं? एक काम करते हैं, आज आप उनके लिए खीर ले जाइए। खीर? आपको कैसे मालूम है कि उन्हें खीर पसंद है? जैसे उन्हें मालूम है कि मुझे लड्डू पसंद है। आओ अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। ये आजकल रोज इसी वक्त कहाँ जाते हैं? सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो चलो। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है, बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान है, आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया, ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहाँ खाऊंगा। ओके चलो। कल जरूर आना। हाँ, बाय बाय। दादाजी। न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा, मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ जाओ। मालिक, शायद सड़क पर कोई बेहोश पड़ा है।
ड्राइवर गाड़ी को। ड्राइवर चाबी दो। अरे नहीं नहीं, चाबी से कुछ नहीं होने वाला, आप लकड़ी का टुकड़ा लाइए। जी पाँ पकड़ो इसका, पाँ पकड़ो। मालिक बस आइए। हाँ उधर समझ गए। इस समय भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस ठीक है संभाल के जाइएगा, ये लो अपना सामान। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, चलो चलो। कहां से लाए हैं ये खीर? हमारे एक दोस्त ने दिया है। किस दोस्त ने? तुम नहीं जानती उसे, बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? मुझे पता है आप अपने पोते से मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, मिलकर आए हैं। क्यों? जिसे आपने अपने जर और जिंदगी से बेदखल कर दिया, उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि वो आपके बेटे हीरा का बेटा है, या इसलिए कि आपके दूसरे बेटों का कोई बेटा नहीं है, या फिर इसलिए कि इस सूर्यवंश की वो वंश बेल है, वारिस है? क्यों क्यों आप अपने किए पे कायम नहीं रह सके? हम अकेले गलत नहीं हैं शारदा, गलती और सजा इन दो शब्दों के लिए दो शख्स जिम्मेदार होते हैं। या तो बेटा उसके जैसा नहीं होता, या फिर बाप हमारी जैसा नहीं होता। बेटा उसके जैसा ही होता है। इस युग में औलाद को माँ बाप नहीं निकालते, औलाद माँ बाप को निकाल फेंकती है। जिस हीरा को आपने नाकारा निकम्मा समझ कर फेंक दिया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा? आपके दूसरे बेटे आपकी जायदाद को अपना समझते हैं, हीरा आपको अपनी जायदाद समझता है। आप इस हवेली की उन कमरों में नहीं जाते जिनके दरवाजे छोटे हैं, क्योंकि आपको सर झुकाकर चलना अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटे से बच्चे की मौत के द्वार पर आप कैसे झुक गए? अब झुके हैं तो बेटे और पोते को गोद में उठा लीजिए। आपकी तरह मेरी भी छाती होती है। 6 साल की उम्र तक हीरा को जिस कलेजे ने ठंडक दी है, वो कलेजा 6 साल से ठंडक के लिए तड़प रहा है। हेलो
बेटे, अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। मत रो, मत रो बेटा, भगवान पर भरोसा रख। अरे तुम्हारे पिताजी जैसे महान आत्मा की जान लेने से पहले भगवान भी 10 बार सोचेगा। हाँ लेकिन बेटे, ये सब हुआ कैसे? हीरा ने जहर दे दिया। क्या, हीरा ने जहर दे दिया? अरे वो देवता की तरह पूछता था अपने बाप को। ठाकुर साहब, क्या आप नहीं जानते, बड़े ठाकुर ने हीरा को घर से निकाल दिया था। बाप बेटे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। हाँ, बकवास करता है तू मर्जानिया। अगर हीरा अपने बाप का दुश्मन होता तो अपना सारा कारोबार उसके नाम पे क्यों शुरू करता? ये अस्पताल उसके नाम पे क्यों बनवाता? ठाकुर साहब, बाप की दौलत के लिए आज की औलाद कुछ भी कर सकती है। हाँ। मुझे एक बार बाबूजी को देख लेने दो भाभी। जान लेकर आंसू बहाने का ढोंग मत करो भाभी। ये आप, बचपन से लेकर आज तक मैंने उनकी लंबी उम्र की सिर्फ प्रार्थना की है। मैं और बचपन से तुम उनकी जान लेने की इच्छा पाल रहे थे। नहीं भाभी, जिसके सामने मैंने सर उठाने की हिम्मत नहीं की उसकी जान लेने की हिम्मत करूंगा। इसीलिए तुमने उन्हें धोखे से मारा। ये क्या कह रहे हो बरन, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? ठहरो ठहरो, मैं सच्चाई का भी पता लगवाता हूँ। बच्चे को इधर लाओ जरा। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने डैडी पर गया। अच्छा बेटा ये बताओ, दादाजी को खीर किसने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा ये बताओ बेटा, दादाजी को खीर देने के लिए किसने बोला था? डैडी ने। सुना भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बच्चा साफ साफ कह रहा है कि वो जहरीली खीर इस हीरा ने दी थी। मार डालो इसे। देखिए मेरी बात सुनिए। डैडी, डैडी, छोड़ो, छोड़ो मेरी गाड़ी को। छोड़ो। हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला घोंट। Get it!
में जहर तुमने मिलाया था। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, लेकिन हम किसी और ख्याल में थे। नजरअंदाज कर आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत में नहीं जाएगा, यही बहस होगी, यही पर फैसला होगा और सजा भी यहीं पर दी जाएगी। हीरा बेटे, हीरा बेटे। सूर्यवंश एक आग है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। बोल दे लो इस कमबख्त को। कीजिए ठाकुर साहब, इस मर्चरी को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको
फॉर मोर अपडेट्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हे डार्लिंग्स, गंटे ने क्लिक चेयडम मर्चिपोकंडी.